गुड मॉर्निंग गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। आप सोच रहे होंगे भाई रजाई लेके सोया हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत है इसकी रात में और सुबह के वक्त। अभी गाइज टाइम हो रहा है ना, ये देखो 6:38। धूप तो यहाँ पे आपको पता है कि 5:30 बजे निकल जाती, तो अभी हम उठ चुके हैं। आज हमें काम है बहुत सारा, आज है सैटरडे का दिन। एंड जहाँ पे मैं सोया हूँ ना, ऐसी जगहों पे सोने के लिए लोग एक रात का 12-12, 15-15 हज़ार रुपये खर्च करते हैं भाई। यहाँ से दिखाता हूँ मैं, गजब। ये अपना बेड है, सामने का नज़ारा ये है। तो अभी उतरते हैं नीचे की तरफ को, लेकिन यहाँ से उतरना थोड़ा सा टफ है। एंड अब देखने के लिए रेडी हो जाओ। ये जय माता की, ये देखो भाई नज़ारे। सुरेश, आज हम बहुत सारा काम करने वाले हैं। बॉडी दिखाने का कोई शौक नहीं है मुझे, मगर जागे अभी तो भाई मज़ा तो आता है। सुबह सुबह हल्की हल्की सी हवा एंड अलग से कुदरती नज़ारे। ही है हमारे होम स्टे में बहुत सारा काम जो पेंडिंग था वो होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि जून के महीने में 15 जून के दिन यहाँ पे मेला होता है गाइस। तो उस मेले से पहले ना हमें होम स्टे में बहुत सारी चीज़ें करनी है, बदलाव करने हैं। उसमें से कुछ काम आज हम करवाने वाले हैं। सुबह सुबह जब हल्की धूप निकली होती है तो मौसम कितना ज़्यादा सुहाना होता है, और दिन में थोड़ी सी ना आजकल गर्मी होने की वजह से लू सी पड़ जाती है, तो सामने के पहाड़ दिखते नहीं है। सो गाइस, मुंह वगैरह धोकर हम हो चुके हैं रेडी। ये स्किप्स पहनता उसका मतलब ये नहीं है कि नज़रें कमज़ोर है, बस अच्छा लगता है, स्मार्ट दिखता है। सो गाइस, अभी अभी मैं ना यहाँ पे बना रहा हूँ चाय, इंडियन की पहली पसंद का। ये जैसी चाय रेडी होती है, तो आज मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमारे होमस्टे में हमें काम करवाना था, तो वो सारा का सारा काम ना अभी हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ पे मामू जी से मिलिए। गुड मॉर्निंग मामू जी। गुड मॉर्निंग। अभी ना हम क्या करवाने पता है, यहाँ पे देखो इतना खूबसूरत रूम हमने बेड वगैरह सारा का सारा निकाल दिया है। गाइस यहाँ पे होने वाला है पेंट, जो कि हमें मेले से पहले कम्प्लीट करना है। तो अभी स्टार्टिंग हो चुकी है बाथरूम से, यहाँ से काम शुरू हो चुका है। ऊपर देख सकते हो आप, पुट्टी वगैरह हो चुकी है, एंड यहाँ पे ये सारा का सारा ताम झाम चला हुआ है। देखते हैं आज कितना कंप्लीट होता है। अभी फिलहाल चाय पीते हैं और उसके बाद गाड़ी में कुछ सामान है मुझे वो लेकर आना नीचे से। सो गाइस, अभी टहलने के बहाने थोड़ा सा हम नीचे जा रहे हैं सड़क तक, और गाड़ी में कुछ सामान है उसको लेकर आना है। तो पीछे मंदिर है, दर्शन कर लीजिए आप भी। एंड सुबह तो बहुत ही गजब की धूप निकली होती है, मज़े ही आ जाता है। और एक और चीज़ स्पेशली फॉर गुड न्यूज़ ऑल माई आसपास के लोगों, यहाँ पे ना ये जो भी अधूरा काम किसी ने छोड़ दिया था, होते थे लोग कुछ जिन्होंने काम कंप्लीट करवाए नहीं, क्या ही बोलें अब। तो यहाँ पे ना ये काम चला हुआ है, इसको आप ऐसा मान सकते हो कि रेस्ट हाउस भी है, जो कि स्पेशली फॉर मंदिर के लिए बन रहा है। यहाँ पे ना लोग जब मेला होता है या फिर जब बारिश हो रही होती है, जब कुछ भी होता है, तो यहाँ पे रह सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट के। तो उसके लिए ये चीज़ तैयार करी जा रही है। इसकी मुझे उम्मीद है कि मेले से पहले ना इसके ऊपर स्लैब डल जाएगा एंड ये प्रॉपरली तैयार हो जाएगा, तो बहुत ही बड़ा ये हॉल सा बनने वाला है, धर्मशाला जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखोगे आप ना, तो इसको बढ़ा के वहाँ तक करा जाएगा, आगे वाली दीवार को भी सामने तक, यहाँ से आगे तक बन जाएगा लंबा का लंबा। तो भाई भी आ चुके हैं, यही है जो ये काम करवा रहे हैं, तो ये भी सुबह सुबह आ चुके हैं। तो चलो ये जल्दी ना काम कंप्लीट हो जाएगा। वैसे कितने दिनों में हो जाएगा बताओ आप? लगभग लगभग हम 5-10 दिन में तैयार कर देंगे। हाँ ना, 5-10 हमारा वो है, 10 दिन के अंदर अंदर ये तैयार हो जाएगा, तो बहुत ही अच्छी बात है ये मंदिर के लिए। और दोस्तों एक और गुड न्यूज़ है हमारे आसपास के लोगों के लिए खासकर, एंड बाहर से आने वाले टूरिस्टों के लिए भी जो यहाँ पर विजिट करते हैं। जो हमारा मेन सड़क था, हालांकि मैंने अपने बहुत सारे ब्लॉग में उसको दिखाया था कि कच्चा है, ये वो है, रास्ता ख़राब है, तो वो सड़क फाइनली पक्का होने जा रहा है। लगभग आधे से ज़्यादा वो के ऊपर जो डालते हैं वो लुक जैसी वो पड़ चुकी है, स्कूल से लेकर जो ये नीचे आपको गांव दिख रहा है इसके आगे तक, वो एक दिन में कंप्लीट कर दिया है। मुझे लग रहा है कि 3 या 4 दिन में वो सलोनी तक पहुंच जाएगा और हमारा स्कूल तक जो है सड़क पक्का हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई कच्चे सड़क होने की वजह से, या आपको कुछ मुश्किलें झेलनी पड़ रही है। और मैं आपको दिखाऊंगा भी, मगर आजकल थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ, मुझे बाज़ार जाना भी, अब जंगली वाली हालत हो ही चुकी है, आप देख ही सकते हो, दाढ़ी बाल इतने लंबे बड़े हो चुके हैं, ख़राब सी शक्ल लग रही है। तो मैं जैसे ही बाज़ार जाता हूँ तो मैं आपको सड़क से भी रूबरू करवाऊँगा, क्योंकि दिखाना ज़रूरी है और मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जो जो लोग उस सड़क के संपर्क में आते हैं उनके लिए अब थोड़ी सी मुसीबतें हल्की होगी, ये धूल वगैरह उड़ना बंद हो जाएगा और गाड़ी अच्छे से पहुँच जाएगी, माइलेज ज़्यादा देगी। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बस हमारा जो मेन थोड़ा सा सड़क रह चुका है गैस, वो है यहाँ से लेके वो नीचे आपको दिख रहा है, बीच में थोड़ा छोटा सा गैप स्कूल तक, अराउंड 1100 या 1200 मीटर का ये सड़क का टुकड़ा है। इसको भी अगर हमारे नेता कोई पक्का करवा दे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ये मंदिर के लिए स्पेशल। और ऐसा नहीं कि मैं अपने बिज़नेस के पर्पज़ से कह रहा हूँ, मगर यहाँ पे हज़ारों के हिसाब से लोग आते हैं,
तो उन्हें मुसीबतें ना देखनी पड़े जिसके लिए हमने आपको चुना होता है। तो आप अगर इतना सा ये सामाजिक कार्य करवा देंगे और जिनके पास ये वीडियो पहुंच रही है तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा सबके लिए, और लोग आपको दुआएं देंगे, साथ में बोट भी दे देंगे अगर इतना सा आप काम करवा सकते हो। तो जो सामान हमारा गाड़ी में था वो है गाइस ये दूल्हा, इसको लेके जा रहा हूँ मैं ऊपर। और फिर आप लोग बोलते हो ना कि भाई 40 रुपए की मैगी बहुत महंगी है। अब बे सालो, वहाँ से सिलेंडर लेकर यहाँ पे पहुँचाओ और फिर बताओ। सुबह सुबह ना जब आप भारी काम करते हो शरीर में एक अलग एनर्जी आती है, और वही एनर्जी आज पूरा का पूरा दिन हमारा निकलवाएगी। सही बताऊँ ना दोस्तों, काम करते करते पता ही नहीं लगता कि हमारा दिन कब का कब बीत गया। अभी आप देखोगे ना तो धूप यहाँ से लगभग ढल चुकी है हमारे होमस्टे से। टाइम हो रहा है गाइस अभी शाम के 4 बज रहे हैं, तो मौसम एकदम से क्लियर है, आज का वेदर देख लो कितने हसीन पहाड़ लग रहे हैं। और मैं दोस्तों आपको दिखाने वाला था कि हमारा जो काम सुबह चल रहा था ना, वैसे तो मैं एकदम से आपको बाद में दिखाऊंगा, बट चलो थोड़ी सी क्लिप में हम आपको दिखा देते हैं अभी। तो यहाँ पे देखोगे ना तो हमारा सारा का सारा सामान बाहर पड़ा हुआ है, इस रूम में हमारा काम चल रहा है पेंटिंग का। अभी ना लगभग ये वाला रूम हमारा रेडी हो चुका है प्रॉपर पूरे तरीके से। आप देखोगे ना तो इसमें सुबह और अभी में आपको ज़्यादा कुछ फ़र्क नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये होम स्टे होता है तो इसमें जो एक कलर है उसकी ना बहुत ज़्यादा अहमियत रहती है। बेसिकली जब लोग आते हैं, अब घर की बात अलग होती है दोस्तों, मगर जब आप होटल या गेस्ट हाउस ऐसा कुछ चला रहे हो ना तो उसमें एक पर्टिकुलर कलर होता है जिसको हमें दीवारों पर करना होता है, तो यहाँ पे ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह कुछ कर नहीं सकते। सुबह आपने देखा था जब अभी तक पेंट नहीं हुआ था तो ये वाइट कलर का था, अभी थोड़ा सा ये क्रीमी हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हमारा सारा का सारा जो है रूम लग रहा है प्रॉपर तरीके से। बाथरूम भी आप देखोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत क्लीन वगैरह करके हमने तैयार कर दिया है। एंड ये हमारा बेडिंग वगैरह सारा का सारा हमने बाहर निकाल के रखा था, अभी जो है रेडी कर दिया, कल के दिन ये दोनों रूम भी रेडी हो जाएंगे। तो दोस्तों आज तक मैंने आपको दिखाया नहीं कि हम किस तरीके से मैगी वगैरह बनाते, तो अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको ना। जस्ट अभी ऑर्डर है 3 मैगी का, और ये देखो प्याज, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, गाजर, गोभी, टमाटर, जितना सब्जियाँ होती है ना वो सब सारी की सारी डाली जाती है, देखना क्या ही लजीज मैगी बनती है बाद में। लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट, अब डाल दिए इसमें टमाटर। सो फाइनली ये देखिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा टेस्टी ये मैगी लग रही है, बाकी अब लोग क्या बोलते हैं। तो अभी जाकर हुए थोड़े से फ्री, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ टूरिस्ट आ गए थे और उन्होंने मैगी वगैरह ली एंड उसके बाद वो वापस गए। तो अभी लगभग शाम के 7 बज रहे हैं, और आप यकीन नहीं कर सकते कि 7 बजे यहाँ पे इतनी अच्छी धूप है, मतलब सोचो। तो ऊपर का नज़ारा आप देखोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, पहाड़ भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर हमारे लग रहे हैं। एंड यहाँ पे नीचे देखो तो भेड़ पालक फिर से आ चुके हैं, बट आजकल ना लोगों के खेतों में आलू और मक्कियों की फसल जो है वो जोरों शोरों पर उगी हुई है, तो ये खेत से ऊपर आना इनके लिए थोड़ा सा टफ हो गया है। जैसा कि आपको पता है कि कल है संडे का दिन दोस्तों, यहाँ पे मैच होने के साथ साथ हमारी होगी ये बुकिंग संडे के दिन की। लंच पे आ रहे हैं हमारे यहाँ पे कम से कम 70 लोग, और 70 लोगों का लंच हमें कल के लिए तैयार करना है। तो मैं और भाई यहाँ पे सिर्फ 2 लोग हैं एंड पेंटर मामू जी है, चलो वो भी थोड़ी बहुत हेल्प करवा देंगे। तो हमें आज डिसाइड करना पड़ेगा कि कल हम उन्हें लंच में क्या सर्व करने वाले हैं, तो उसकी तैयारियां ना हमें अभी से करनी पड़ेगी। तो इसको लेकर हम थोड़ा सा सोच विचार कर रहे थे। अब जैसा कि आपको पता है कि यहाँ हमारा मार्केट भी थोड़ा सा दूर रहता है यहाँ से, तो कुछ सामान अगर कम है तो वो हमें अभी शाम के वक्त जाकर लाना पड़ेगा, ताकि हम सुबह अर्ली मॉर्निंग सारा का सारा जो है तैयार कर सके तामझाम। एंड अभी हम जाने वाले हैं उस गाँव में जो कि हमारे बिल्कुल नीचे है, तो यहाँ से जाता है पहाड़ों के बीचों बीच में से रास्ता, तो यहाँ से जाएंगे। इस तरफ तो धूप ढल चुकी है एंड इस तरफ की वैलियाँ दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गजब नज़र आती है शाम के वक्त। ये रहा बारमुल्ला गाँव, जो कि एक बेहद ही खूबसूरत पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ छोटा सा गांव है, सामने का नज़ारा। तो गांव से तो वापस आ चुका हूं दोस्तों और यहां पे पहुंच भी गया हूं, और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं गांव में अक्सर गया क्यों था। तो मैं आपको बता दूं कि ना आज खुशियां तो बहुत मिली है, बट उसके साथ साथ दुख भी बहुत है। सुबह आपने देखा कि मैंने सिलेंडर लाया, तो अभी शाम के वक्त जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल हमारे 70 लोगों का ग्रुप है और उनके लिए हमें कुछ तैयार करना है, तो गाइस उसके लिए ना कुछ सामान था इस डब्बे में भरा हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा भारी डब्बा है ये, इसको लेके जा रहा हूँ मैं अपने होमस्टे की तरफ। तो अभी यहाँ पे पहुँचा ना, बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया हूँ मैं वैसे देखा जाए तो, लेकिन ये भारी सामान है ना तो इसके साथ थोड़ा सा आराम करते करते चलना पड़ता है। पीछे से देखो भेड़ बकरियों का झुंड आ रहा है जो कि बहुत ही प्यारा है, शाम को ये भी अपने घर की तरफ मुड़ रही है। एंड ऊपर देखो भाई ज़बरदस्त सीन है ये।